बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रोग्राम पाक वतन के साथ मैं हूं निहार राठौर और आप मुझे देख रहे हैं पाक वतन टीवी पर। तो जैसे कि हम सबको पता है कि आज जो है वो 23 मार्च का दिन है और पाकिस्तान की तारीख का जो है ये हिस्टोरिक डेज में से एक है। इसको हम करारदादे पाकिस्तान कहें या करारदादे लाहौर कहें, एक ही बात है। आज का दिन जो है वो बहुत ही खास अहमियत का हामिल है। आज का जो दिन है वो बहुत ही एक प्रीशियस मोमेंट होता है हर पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि दो कौमी नजरिया जो है वो आज के दिन रखा गया था। और हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है कर्नल असद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच नेहा, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल सर। मैं सबको बताती चलूँ कि कर्नल साहब जो है वो आर्मी ग्रेड हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स में और टॉक शोज में जो है वो अपनी राय का इजहार देते रहते हैं। और आज हम उनसे इसी दिन के हवाले से कुछ सवाल करेंगे, क्योंकि एक आर्मी वाले से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि पाकिस्तान की कदर क्या है और पाकिस्तान कितना हमारे लिए अहमियत का हामिल है। सर, आप मुझे बताइएगा कि 23 मार्च जो है वो आपने अपने तरीके से कैसे सेलिब्रेट किया, कि पाकिस्तान भर में तो बहुत ही जोशो खरोश से इस दिन को मनाया जाता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे रेडियो शोज होते हैं। आप मुझे अपने हवाले से बताइएगा कि आपने ये डे कैसे सेलिब्रेट किया। ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। स्पेशली ये 23 मार्च 1940 को जो हुआ और फिर आज तक जैसा जो कुछ हो रहा है, और आपने जिस तरह आज के डे की सेलिब्रेशन का पूछा कि जी हाँ हमने इसको किस तरीके से सेलिब्रेट किया, तो मैं समझता हूँ कि आपने जो पहला सवाल किया था कि फौज से बेहतर, तो पाकिस्तान के बारे में या जो कुछ पाकिस्तान जिस तरीके से हमने हासिल किया उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। यस, यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, बट मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपकी फ़ौज है ना, ये हम पाकिस्तानियों के बीच की है। हम लोगों से ही बच्चे निकलते हैं, देखो फौज में जाते हैं मुख्तलिफ फैमिलीज से, और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं शायद जब 1947 के अंदर जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो जिस तरह वहाँ पर लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपने घर बार छोड़े, अपने बच्चों की, अपनी फैमिलीज की, इवन अपने जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं, जो खून बहा है, यकीन मानिए हम तो जो जिस तरह उन्होंने किया हमारे लिए, इस वतन के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, हम तो शायद उनका शुक्रिया अदा करने के भी प्रॉबली हम काबिल नहीं हैं। आई से कि दे डिड एवरीथिंग फॉर पाकिस्तान, सेक्रीफाइस द वे एक देखे भाले अपने एरिए को छोड़ के, और आप आ जाना सिर्फ इस आसरे पे जी कि नहीं एक पाकिस्तान ऐसा होगा जिसके अंदर सब आज़ादी के साथ जिएंगे, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो दो कौमी नज़रिए की एक लिहाज से बात कोई आए, तो सर्टली मैं समझता हूँ कि वो तो हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने अपने घर बार लुटाए, घर बार छोड़े, अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी, और उनसे ज़्यादा कौन इस पाकिस्तान की आज़ादी का वो दुख भी झेल सकता है, तकलीफ़ें भी उन्होंने जिस तरीके से झेली और जो सदमे उन्होंने उठाए। मैं तो समझता हूँ कि आज हम अगर थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं, आज़ाद मुल्क के अंदर बैठे हैं, तो ये उनकी कुर्बानियों की वजह से ही बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर कायदे आज़म के अंदर ये विजन ना होती, ये सोच ना होती, और वो मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुल्क के लिए जद्दोजहद ना करते, लड़ाई ना लड़ते, कानूनी जंग ना लड़ते, इंतखाबात की वोटों की जंग ना लड़ते, फिर वो सोच ना होती, वो विजन ना होती, तो I feel very uncomfortable के imagine the state of those Muslims who chose कि नहीं हम इंडिया के अंदर रहेंगे, और उनकी आबादी भी ऑलमोस्ट कोई 20-21 करोड़ है, कोई छोटी आबादी नहीं है, 14% बनते हैं वो तादाद के हिसाब से इंडियन पॉपुलेशन का, और जिस बुरी हालत के अंदर वो रह रहे हैं, नेहा मेरा ख्याल है हमें कहने की ज़रूरत नहीं, बट एवर इंडियन आर्मी और इंडियन स्टेट एट्रोसिटीज़ जो आप कमिट होते हुए देख रहे हैं इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर, वो भी किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं, सो वेरी अनफॉर्चुनेट, ये सब कुछ सारी दुनिया के सामने हो रहा है। तो लेकिन आई से कि दुनिया की सारी कुव्वतें बशमूल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन की और जनरल असम्बली और फिर EU की बात करें और दूसरे मुख्तलिफ इदारों की बात करें, तो यू फाइंड देम क्रिमिनली क्वाइट, दे डोंट से एनीथिंग। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज का दिन जैसे ना 23 मार्च, सर्टली ये हमारे लिए एक ऐसी अपने माजी में जाते हैं, अपने जो माजी के लोग हैं उनकी कुर्बानियों को देखते हैं, अपने लीडर्स को देखते हैं,
उन लीडर्स की जो कमिटमेंट्स थी, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके रुफका की मैं बात करता हूँ, तो हम उनकी कुर्बानियों को भी देखते हैं, उनकी कमिटमेंट्स को भी देखते हैं, एंड वी फील कि जी क्या जिस तरह उन्होंने जो प्रोमिसज किए थे, क्या उनके बाद जो आने वाले लोग थे, हैव दे बीन एबल टू फुलफिल, क्या हम समझते हैं कि पाकिस्तान जैसा अब है इसको इसी तरह होना चाहिए था, या अगर जो कायद आजम या लियाकत अली खान के बाद के जो रूलर्स हैं, आई डोंट कॉल देम टू बी द लीडर्स नेहा, तो क्या उन्होंने उस तरीके से काम किया जिस तरह कायद आजम चाहते थे, क्या उन्होंने उस तनदही मेहनत लगन और सच्चाई। जी, मैं इसी सवाल से एक सवाल निकालना चाहूंगी सर, कि आप जो है वो आने वाली जो यूथ है, जो आने वाला जो फ्यूचर है, जो यंगस्टर्स है, उनको क्या आप उनमें ये जज्बा देखते हैं जिस तरह हमारे बुजुर्गों में ये जज्बा था कि पाकिस्तान की कदर थी, उस तरह से पाकिस्तान के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आजकल की जो यूथ है वो ज्यादा प्रेफर करती है कि हम बाहर की कंट्री चले जाएं एज कंपैरेटिवली पाकिस्तान को चूज करने के बजाय, तो आप उनको किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, मैं ना ये इसको थोड़ा सा ना मैं 2-4 मिनट लूंगा आपको इसका जवाब देने में। अनफॉर्चुनेटली जो कायद आजम की सोच थी और जो उनके साथ जिन पॉलिटिशियंस ने ज्वाइन किया, वो सारे के सारे आप कह सकते हैं कि फ्यूडल्स थे, जागीरदार थे, और जिस तरीके से कायद आजम समझते थे कि उनके साथियों को उस तरह काम करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली एक स्टेज ऐसी है जहाँ कायद आजम को ये कहना पड़ा कि मेरी जेब में जो देखा तो सारे खोटे सिक्के निकले, दैट इज द वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। और फिर यही क्योंकि उस वक्त पूरे मुल्क को तो ब्यूरोक्रेसी चला रही थी, ब्यूरोक्रेसी की जो ट्रेनिंग थी वो गोरों ने की हुई थी, तो ये एक गठजोड़ इनिशियली आपने देखा जो कि आपको ब्यूरोक्रेसी का मिला और उसके साथ फ्यूडल्स का और आवाम की, एक्चुअली आफ्टर लियाकत अली खान जैसे कोई से नहीं रह गई। और सारे कजिए को देखें तो 1952 ऑनवर्ड्स देख लें, आज आलमोस्ट को 70 साल में हो गए हैं। यस, वी आर इन डीप ट्रबल, हकीकत में मैं बताऊं तो दिस इज नॉट द डे टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, बट नेहा मैं प्रैक्टिकली आपसे बताऊंगा, वो नस्ल जो कि कायद आजम के साथ की थी या थोड़ी सी आगे की करें, मैं ये जरूर कहूंगा कि यस दे वर ऑनेस्ट, दे हैड सम कमिटमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जिन लोगों के हत्थे चढ़ा आफ्टर लियाकत अली खान, वो ऐसे लोग नहीं थे कि उनकी वो रिजॉल्व होती, वो कमिटमेंट होती। और फिर होता ये है ना नॉर्मली कि अगर किसी मुल्क का कोई लीडर होता है ना, वो पर्सनल एग्जांपल सेट करता है, उसके सेल्फ मोटिवेटेड इंटरेस्ट नहीं होते और वो मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए काम करता है। अनफॉर्चुनेटली ये सारे के सारे लीडर्स नहीं थे, ये रूलर्स थे, दे वर द वन जो डायनेस्टी के लिए काम कर रहे थे और अभी तक कर रहे हैं पिछले 70 सालों से। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इसके बाद की जो नस्ल थी, दैट हैज प्रूव्ड करप्ट टू द कोर, इंतहा दर्जे के ये करप्ट, जहनी पस्तगी आपने देखी पिछले 70 सालों के अंदर, उसके अंदर ये फ्यूडल्स आ गए, उसके अंदर ये ब्यूरोक्रेसी थी, पुलिस को आप शामिल कर लें, जुडिशरी को शामिल कर लें, इस्टेब्लिशमेंट को आप शामिल कर लें, इसके बाद आप वकुला को शामिल कर लें, ट्रेडर्स को शामिल कर लें, इंडस्ट्रीज को आप लेकर आ जाएं, फ्यूडल के मैंने कहा, ये सारे के सारे लोग वो थे बेसिकली कि ये सब इकट्ठा एक नेक्सस बन गया और 70 साल से इन्होंने पाकिस्तान को निचोड़ लिया दोनों हाथों से, हकीकत में मैं आपको बताऊं। बट एक मैं ये जरूर नेहा कहूंगा आज आपसे कि मैं जब आपसे मेरी बात हो रही है और मैं आप जैसे यंगस्टर्स को जब मैं देखता हूँ, मैं उनसे सुनता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनकी आंखों के अंदर या उनके जो चेहरे के ऊपर चमक देखता हूँ ना, वो पाकिस्तान से मोहब्बत की देखता हूँ। मैं अपने यंगस्टर्स के चेहरे के ऊपर एक कॉन्फिडेंस देखता हूँ, उनका आईक्यू लेवल बड़ा अच्छा है, दे आर एब्सोल्युटली क्लियर कि उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारनी है, दे हेट करप्शन, दे हेट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है। ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है ना, ये इनके पास ये बहुत बड़ा हथियार है, दे हेट, आई वुड से कि यस, ये नफरत करते हैं इन सियासतदानों से, ये नफरत करते हैं जिस तरह की सियासत इस वक्त इससे पहले आपको पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो मिलिट्री रूलर जिन्होंने पाकिस्तान को रूल किया, आई कांट बी वेरी प्राउड ऑफ देम कि नहीं, दे डिड वंडरफुल फॉर पाकिस्तान, दे टू वर सेल्फ सेंटर्ड पीपल। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पाकिस्तानियों को ठीक करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि पाकिस्तान को एक यकजान दो कालब से हटके और एक ही कालब एक लिहाज से बनाए, आर फॉर दैट मैटर के पाकिस्तानियों के अंदर वो नेशनलिज्म लेकर आए, पाकिस्तानियत लेकर आए,
सिस्टम को बेहतर करें, इदारों को जो है अकाउंटेबल करें, इदारों को जवाबदेह करें, जो ये ब्यूरोक्रेसी है उसको मुलाजम के तौर पे जो है वो पाकिस्तानियों के सामने पेश करें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ एंड टुडे इज द स्टेज के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं इसी सवाल से एक सवाल निकालना चाहूंगी अगर आप इजाजत दे तो। तो जो सिस्टम अभी पाकिस्तान में है, क्या आपको लगता है कि ये फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बेहतर है और ये सिस्टम हमें इसी सिस्टम को फॉलो करना चाहिए या सिस्टम में थोड़ा चेंज भी आना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहली बात तो ये है कि जिस मुल्क के अंदर अगर एक टाइमली और इनएक्सपेंसिव यानी सस्ता और डोर स्टेप के ऊपर जब इंसाफ नहीं मिलता तो फिर सारा सिस्टम पोल्यूट हो जाता है, सारा सिस्टम करप्ट हो जाता है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये बेसिकली इंसाफ का एक ऐसा गुंजलिक सिस्टम है, इसके अंदर इतनी सीढ़ियां हैं कि आप एक पे कामयाब होते हैं तो आप एक दूसरी सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, वहां से निकलते हैं तो तीसरी पे चले जाते हैं, और जब आपका फैसला इवन सुप्रीम कोर्ट तक होता है तो पता चलता है कि एक छोर शायद दूसरी नस्ल भी खत्म हो गई है। नो, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो जुडिशरी है उनको बड़ा सीरियसली इस चीज के ऊपर सोचना है कि अनलेस, यकीन मानिए आप, जब तक किसी मुल्क के अंदर इंसाफ का निजाम नहीं होता तो फिर जुल्म को आप पनपता हुआ देखते हैं, जुल्म को आप बढ़ता हुआ देखते हैं। मैंने इसलिए आपसे अर्ज किया कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है, दे हेट दिस काइंड ऑफ सिस्टम, दे हेट दिस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, दे हेट ये जो हेट डिवाइड और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो ओवरऑल विद इन पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर चल रहा है। मैं एक चीज आपसे कहना भूल गया कि जब इतने ढेर सारे मैंने इदारों का नाम लिया तो मैं मीडिया को भूल गया। आज पाकिस्तान के अंदर जो लोगों के रवैयों में तब्दीली देखते हैं, जो एक्सट्रीमिज्म देखते हैं, जो गुस्से का इजहार देखते हैं, जो नफरत देखते हैं, और जो पाकिस्तान के ऊपर एक फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर मुसल्लत की गई है ना, उसके अंदर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया का और सोशल मीडिया का मैं आपसे बताऊं बहुत बड़ा हाथ है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम टॉकिंग, हम सोशल मीडिया के ऊपर आप जैसे मेरे जैसे लोग मौजूद हैं कि हाँ उनकी आंखों में आंखें डाल के वो बिल्कुल वो चीज जो कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से हमें करनी चाहिए या जवाब देना चाहिए वो हम दे रहे हैं। अगर हम आप जैसे लोग भी ना हो तो आप ये देखें ये पाकिस्तान का हाल क्या कर दें, कह देखें ना आप भी, आफ्टर यू बिलोंग टू मीडिया, कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप कहेंगे कि नहीं ये टॉक शो ऐसा है विच इज बेसिकली फॉर पाकिस्तान। अब कल और आज के दिन दो दिन वाईसी की कॉन्फ्रेंस चली है, आप देख लेना आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया का ये जो सेठों का जो मीडिया है इसकी कवरेज तो देख लें, इट वॉज फोकस ऑन वॉट नैरेटिव, इनका क्या था नैरेटिव, था पाकिस्तान के अवाम से दुश्मनी करना, पाकिस्तान से दुश्मनी करना। द वे दिस मेनस्ट्रीम मीडिया इज एंटी पाकिस्तान एंड एंटी पीपल, इतना तो मेरा ख्याल है शायद इंडियन मीडिया भी एक लिहाज से नहीं होगा व्हाट वी सी एक्चुअली ऑन आवर ओन मीडिया, और मैं ये समझता हूँ इसके लिए हमें बड़ा सीरियस आवाज उठाने की जरूरत है। तो सर मुझे आप एक बात बताइए, जो मेनस्ट्रीम मीडिया आपने कहा कि एंटी एंटी पाकिस्तान है एक तरह से, तो सर आप डिजिटल मीडिया को और पैट्रियटिज्म को किस तरह से देखते हैं, आप इनको कैसे एक तरह से कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज रेजोल्यूशन डे है, हम अहद 1940 में तो कर चुके थे कि दो कौमी नजरिया देंगे, मगर हमारी जो कौम है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फिरकों में और बहुत ज्यादा डिविजन्स में बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा पार्टीज में बढ़ चुकी है, तो आप जो है वो डिजिटल मीडिया का और पेट्रियटिज्म का जो कंपैरिजन अगर करें तो आप उसको किस तरह सोचते हैं, क्योंकि आप एक एनालिस्ट भी हैं और अपनी राय का इजहार ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इट इज ऑल टूगेदर डिफरेंट। ये मेन स्ट्रीम मीडिया बेसिकली सेठों का है, इनका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका पाकिस्तानियत के साथ, इनका नेशनलिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इनका सिर्फ दौलत के साथ ताल्लुक है। मैं यस वेरी वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग इज ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर नहीं, ये हाइब्रिड वॉरफेयर इस मेनस्ट्रीम मीडिया ने पाकिस्तान पे मुसल्लत की है। आज जो हमारे अंदर जो आपने सवाल किया जो डिवीजन नजर आती है, जो जो कि लोगों के अंदर नफरत एक दूसरे के लिए है, दिस मीडिया हैज उसने क्रिएट किया और हमारे पॉलिटिशियंस ने उसके ऊपर फर्दर आग छिड़की इसमें और पेट्रोल डाला और कुछ नहीं किया, यही कुछ एक्चुअली आप देखते चले आ रहे हैं। जो हम डिजिटल मीडिया की आपने बात की, आर फॉर दैट मैटर सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ किस्म के आउट से के जो मीडियाज हैं या चैनल्स हैं या मीडियम्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे पीपल आर लिटल वोकल, आप उनको देखते हैं
बट मेरे और आपके लिए दिस शुड बी सेटिस्फाइंग कि डिजिटल मीडिया के ऊपर आप 90% लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करते देखते हैं, वो लोगों को एक्सपोज करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे यंग लॉट के लिए और हम सब पाकिस्तानियों के लिए जो कि अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि सूदिंग इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे आता है। एंड और आप यकीन माने, मैं खुद आई से यस आई बिलोंग टू मीडिया, मैंने कोई टॉक शो नहीं देखता, मैंने छोड़ दिया है। एंड इट इज नॉट मी ओनली, आप पाकिस्तान के अंदर सर्वे कर लें, देर आर 90% पीपल मोर देन दैट जो कि कहते हैं जी नहीं, वी डोंट वॉन्ट टू सी टॉक शोज, वाई, बिकॉज उसके अंदर सिवाय गुस्सा, नफरत, हसद, बाकी इंतकाम, इसके अलावा कोई चीज़ आप इनके नहीं देखते। वो एक खास नैरेटिव है, उसका एक खास किस्म का उसके अंदर वो मवाद होता है, और वो हर चीज जो है वो खत्म होती है एक्चुअली फौज दुश्मनी के ऊपर या फिर पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर या अवाम दुश्मनी के ऊपर। यू डोंट फाइंड एनीथिंग कि आप ये कहें कि अगर आपने कोई टॉक शो देखा तो उसके अंदर से कोई ऐसी चीज मिली कि हमारी यंग जनरेशन को उससे कुछ सबक मिला हो, या पाकिस्तान की उन्होंने बेहतरी की बात की हो, या फिर इकॉनमी की, या सिक्योरिटी की, या हेल्थ की, या मुलाजमतों की कोई बेहतरी की बात की हो, या को उन्होंने को पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छे काम भी हो रहे हैं उनकी भी बात की। दे नेवर स्पीक लाइक दिस। मैंने सिर्फ आपको वाईसी की एग्जांपल दी है। दूसरी तरफ चले आप रेकोटेक केस की बात आप करते हैं, $11 बिलियन जो है वो तो पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना था, बाकी चीजें अलग थी, और हम पिछले 10 सालों से अदालतों के अंदर गए हुए थे, जुर्माने लग चुके थे। और अगर ये कजिया ना होता तो आई से थिंग्स वुड हैव बीन क्वाइट डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान। बट आई से क्या आपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर क्या लोगों ने इसको देखा, लोगों को बीच में सामने लाकर आते हुए देखा? देखें इस वक्त आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, उसके अंदर आपको क्या नजर आता है कि जी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन है सारा जो कुछ भी है। और ये बजाय इसके ये देखें कि इन सारी चीजों से नुकसान किसका हो रहा है, हम पाकिस्तानियों का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान का तशख्स ये मेन स्ट्रीम मीडिया इंतहा बुरे तरीके से मजरू कर रहा है। बट दीज आर सच शेमलेस पीपल, दे डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग, और ये अपना जो एक जिसको कहते हैं ना ड्रम बीटिंग है वो सारी की सारी बजाय चले जा रहे हैं, एंड देयर इज नोबडी हु इज बदर अबाउट इट। एंड दैट इज द रीजन कि जो सच्चे और पक्के पाकिस्तानीज हैं वो हेट करते हैं इस मेनस्ट्रीम मीडिया को, एंड दे डोंट वॉच दीज टॉक शोज। हकीकत में आपसे ये बता रहा हूँ, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी आई से इम्पॉर्टेंट, और हम इन सब चीजों को देखना चाहिए। आपकी राय बिल्कुल बजा है। अब मुझे जाने से पहले, क्योंकि आप एक आर्मी ब्रैड हैं, तो हम आपसे कोई ऐसा इंसिडेंट सुनना चाहेंगे, कोई ऐसी बात सुनना चाहेंगे जो जिससे आपके पाकिस्तान से मोहब्बत का कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी स्टोरी जिससे आपके पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार हो सके। देखिए मैं एक चीज आपसे बताऊँ, दिस आई जनरली स्पीक टू द यंग जनरेशन, मेरे साथ के जो लोग हैं उनसे भी, अपने बच्चों से भी, वो मेरे से अक्सर बात करते हैं जी कि नहीं पाकिस्तान में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एंड आई स्पीक टू देम कि वट एवर आई एम टुडे इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री जहाँ पे मुझे अपनी मर्जी का काम करने का मुझे आज़ादी थी, शख्सी आज़ादी थी। एंड इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान आई हैव नो प्रॉब्लम। आई वुड से आई फील के जब पाकिस्तान ने ना मुझे इतना कुछ दिया, इस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, और हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हम अपने इस पाक वतन के लिए क्या कर रहे हैं। आर वी कंट्रीब्यूटिंग समथिंग, क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों को कोई फायदा दे सकें, हम फील करते हैं कि अपने वतन के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। नो दिस इज एक्चुअली माई मैसेज इन वट एवर कैपेसिटी वी आर, वेदर यू आर स्टडिंग, यू आर सर्विंग समवेयर, मैं काम जहाँ पे भी कर रहा हूँ, जिस जगह पे भी हूँ, मेरा एक मकसद होना चाहिए, it should be patriotism, it should be nationalism, I must not do anything jo ke mere mulk ke tashakhus ko nuksan pahunchaye। Neha, that is something very very important, aur main aap se bhi aapke sath ki jo young generation hai unse meri yahi iltimas hogi, allah pe aitmad rakhiye, pakistan ke sath aapki mohabbat honi chahiye, aapki commitment ki hame zarurat hai, we are actually going through a difficult period, बट इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सक्सीड, और हमारा जो फ्यूचर होगा इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि बहुत बेहतर होगा व्हाट वी वर देयर इन द पास्ट। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह जरूर पाकिस्तान का जज्बा दिलों में हमारे रहेगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।
बट वतन की मिट्टी गवाह रहना कि ये मुल्क जो है हमें बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिला है, हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार सिर्फ स्पेशल डेज पे नहीं हर दिन करना चाहिए। अब मुझे इजाजत दीजिए, आज लीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, वेरी काइंड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।